तो जो हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो एक्सटर्नल डीएनए होता है वो तब तक खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको जो पहले से प्रेजेंट डीएनए उसमें एसोसिएट ना करा दें। तो उस पॉइंट को हम लोग लिख रहे थे बस, और उस वक्त ही नेटवर्क हमारा थोड़ा इश्यू करने लगा था। तो चलो लिखते हैं, दिस डीएनए कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई, कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई एंड गेट ट्रांसफर्ड तुमको दिख रहा ना कि आज भी इश्यू हो रहा है? ठीक, दिख रहा है सर। गेट ट्रांसफर्ड इन टू प्रोजेनी सेल्स गेट्स ट्रांसफर्ड इन टू प्रोजेनी सेल्स, बट हाउ एवर इफ दिस जीन गेट्स समहाउ, हाउ एवर इफ दिस जीन गेट्स समहाउ एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल, एसोसिएटेड विथ द जेनेटिक मटेरियल, ऑफ द होस्ट सेल ऑफ द होस्ट सेल देन इट विल इटसेल्फ गेट्स रेप्लिकेटेड देन इट विल itself gets replicated and transferred to offspring and transferred to offspring। ठीक है, तो अगर ये किसी तरीके से एसोसिएट हो जाए होस्ट सेल में तो वो ऑटोमेटिकली खुद से रेप्लीकेट भी करेगा और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर भी हो जाएगा। खैर, इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो क्रोमोसोम है उसका क्या कैसा होता है और किस तरीके से उसको काटते हैं, कहां से वो रेप्लिकेट करता है, इस तरह हम लोग बात करें तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने पे हम ये चीज जानेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी क्रोमोसोम में जहां, या सिंपल बोले तो किसी भी डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जैसे मान लो ये मेरा डीएनए है, और जब ये डिवाइड किया तो मान लो डिवीजन यहां से शुरू हुआ, तो जिस भी पॉइंट से डिवीजन या रेप्लिकेशन शुरू होता है, जैसे मान लो हमको इस डीएनए में, या और अच्छे से बता दूंगा, ऐसा मेरा कोई डीएनए, इस सब का मेरा कोई डीएनए है, और जीन क्या होता है समझते हो? बताओ जीन क्या होता है, जीन को डिफाइन करो जरा। जीन इफ फंक्शनल टुकड़ा होता है नहीं, डीएनए। सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि डीएनए के फंक्शनल टुकड़ा को जीन बोलते हैं, नहीं, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। डीएनए का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन के लिए कोड कर, उसको क्या बोलते हैं? जीन।
जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे वो जीन है और यही जो जीन है ना, यही जीन रिस्पॉन्सिबल है मान लो आई कलर के लिए, किसके लिए? आई कलर। और हम इसका जो आई कलर था वो ब्लू था, और हम चाहते हैं कि यही आई कलर वाला जो जीन है हम किसी और डीएनए में जोड़ें, ठीक, हम ये चाहते हैं। अब बात यह है कि हमको इस जीन को काट के निकालना होगा, तभी तो हम इस जीन में यहां लगा सकते हैं, इस डीएनए में। तो जैसे ही हम काटने और निकालने का बात करेंगे तो हमको ये बात समझना चाहिए कि आप अगर एक डीएनए से जीन को काट रहे हो, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या करते हैं बायोटेक में, सबसे पहले डिजायर्ड जीन को निकालते हैं, फिर उसका मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसको जहां यूज करना होता है यूज करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास क्लास में। तो जीन हम लोग निकाले, ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेरी गुड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इस जीन को निकाले। अभी हम चाहते हैं कि ये जीन को हम मल्टीपल कॉपीज तैयार करें, तो जाहिर सा बात है इस जीन में यहां से रेप्लिकेशन शुरू होना चाहिए इस पॉइंट से, और यहां आके खत्म होना चाहिए, जरूरी है ना ये चीज? तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हो, अगर आप ये चीज चाहते हैं तो आपको एक खास बात का ध्यान देना होगा, रेप्लिकेशन वहीं पे शुरू हो सकता है या होता है, रेप्लिकेशन वहीं पे शुरू हो सकता है या होता है जहां ओरिसाइट हो। क्या हो? ओरिसाइट, बस यहीं पे इशू आ गया। ओरिसाइट क्या होता है, पॉइंट है ना? तो ओरिसाइट वो जगह होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओरिसाइट समझाते हैं। एक सेकंड, चलाइए, क्या आया है सर? इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट मिल सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, लेकिन उससे फायदा हमको देखना रहता है फिर बाद में। अच्छा वापस देखती हो, ठीक है। तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो यूट्यूब पे, हम पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग डालते हैं फुल्ली। पूरा लास्ट क्लास में भी जो भी पढ़ाए तुमको, जैसे अभी हमको जो बोल रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड हो रहा है, तुम्हारे स्क्रीन पे साइड में रिकॉर्डिंग दिखा रहा होगा। यस सर। हाँ सारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो इसीलिए ही करते कि कभी जरूरत हो तो तुम पूरा रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिसाइट में लिखो, या लिखना क्या, नोट्स तेरे को दिए हुए। जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम या डीएनए भी बोल सकते हैं इसको, क्रोमोजोम हैज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। देखो ये जो डिवीजन शुरू होता है ना, ये कहीं से भी नहीं हो जाता। जैसे अभी हम बताया ना कि ये जीन को यहां से हमको रेप्लीकेट कराना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहीं से रेप्लीकेट करें, यहीं से रेप्लीकेट करें, ये कहीं से भी कर जाएगा। तो कहीं से भी कर जाएगा अगर, तो फिर तो इश्यू है ना। मान लो हमको ये जीन को कॉपी कराना है और कॉपी हो गया कोई और जीन, समझ रही है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमको जो करना है हम उसी को यूज करेंगे ना, कोई और थोड़ा ना करेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जीन वही एंजाइम यूज करें। देखो अच्छा पहले ओरिसाइट समझ लो फिर हम बताते हैं। क्रोमोसोम हैज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसी को बोलते हैं ओरिसाइट, ठीक है? जरा समझना, हर डीएनए के लिए या हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग ओरिसाइट होता है, या माइंड इट, ईच डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज इट्स ओन ओरिसाइट। मतलब जैसे देखो ये कोई डीएनए सीक्वेंस है,
ठीक, ए टी सी जी ए टी, यहाँ एक और अच्छे से, TCATGCA, ऐसा सीक्वेंस है। अब खास बात यह है ना, जहां कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो वो पहले इस सीक्वेंस को रीड करता है, और हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना कोई फेवरेबल सीक्वेंस होता है। जब तक उस एंजाइम को वो सीक्वेंस नहीं मिलेगा तब तक वो कट नहीं करेगा। तो जैसे नॉर्मल जो हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है, आगे हम बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा हमको पढ़ना है, उसके लिए जो सीक्वेंस होता है उसका नाम है GATTAC, घटाक। वैसे हम यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिए, यहाँ ए यहाँ सी करते। अब देखो GATTAC, ये वाला सीक्वेंस रीड किया, ये एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जैसे ही उसको ये सीक्वेंस मिलेगा उसके बाद वो यहीं से ऐसे बीच से कट कर देगा, बीच से डीएनए यहीं पे काट दिया अलग से। कैसे काटता है और अच्छे से आगे बताऊंगा, अभी बता रहा हूं बस कितना कि जहां पे GATTC मिलेगा वहीं पे कट करेगा, ये है ओरी साइट। अब इससे मेरा क्या होता है कि हम मान लो जब कोई भी जीन डीएनए या स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो जीन हमको निकालना है उसके आसपास कौन सा ओरी साइट है, जिस एंजाइम का ओरी साइट होगा उस एंजाइम से कट कराएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा जीन है तो हम इधर और इधर कोई ओरी साइट ढूंढते हैं, सबसे नजदीक में जो ओरी साइट मिल गया, मान लो यहाँ GATTC मिल गया तो हम लोग उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराएंगे। कोई और ओरी साइट मिला किसी और एंजाइम का तो वो एंजाइम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि वो एंजाइम, जैसे मान लो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए, तय बात है कि वो पूरे डीएनए में और कहीं नहीं काटेगा, यहीं पे काटेगा। तो अगर हम जो ओरी साइट ढूंढ रहे हैं नया सा, वो उस जीन को निकालने के लिए, उसका ओरी साइट अगर यहाँ पहले मिल गया तो जाहिर सा बात है वो एंजाइम बाकी कहीं नहीं काटेगा, सिर्फ यहाँ ओरी साइट मिला तो यहीं पे ढूंढ के काटेगा, मेरा जीन सेफ रहेगा, या यही जीन कट के निकलेगा, कोई और जीन नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग ओरी साइट यूज करते हैं। समझे नहीं समझे? ओरी साइट Yes, sir. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज और क्लियर होगा। ये जो ओरी साइट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे उसके लिए, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम को इनिशिएट करने के लिए, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, responsible for initiating the replication of chromosomes, chromosomes के replication को initiate करने में भी इसी का हाथ होता है। सबसे पहला जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना था, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब, जो रिपीट होते जाता है, नहीं रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब होता है जो हाइब्रिड डीएनए मेड अप, या बाय कर लो मेड अप बाय मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, दो अलग अलग डीएनए को अगर मिला के बनाए तो उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो जो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए था वो मिला था, वो हम लोग बनाए थे साल्मोनेला टाइफीरियम में, टाइफॉइड का बैक्टीरिया। फैक्टर है ना, क्या ये टाइफाइड का फैक्टर है? फैक्टर नहीं, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया ही साल्मोनेला टाइफीरियम। टाइफाइड, अरे यार TYPHIRIUM, ठीक है। और ये कैसे किए थे भाई? तो सबसे पहले क्या किए थे ना कि इसका जो प्लाज्मिड है, ये जो बनाए थे इसमें बाई एडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन इट्स प्लाज्मिड। प्लाज्मिड समझती हो? प्लाज्मिड 11th का कोई आइडिया नहीं है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है तो हम बताते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में दो तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। जैसे मान लो ये एक उसका सेल है, तो इस सेल में एक जहां जहां उसका न्यूक्लियोलस होगा यहां तो होगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा इनमें मतलब ये जो भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइड में एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए भी होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। खास बात देखो, ये प्लाज्मिड इस न्यूक्लियस वाले डीएनए से अलग है, न्यूक्लियर डीएनए से अलग है, इसीलिए हम लोग प्लाज्मिड के डीएनए को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो अभी तुमको प्लाज्मिड समझ में आ गया। प्लाज्मिड में हम लोग एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं ना, वो बड़ा थोड़ा सिंपल हो जाता है। सिंपल होने का कारण क्या है? देखो ऐसे तुम्हारे पास अगर अभी एनसीईआरटी है भी एनसीईआरटी? हाँ है। तो एनसीईआरटी में हम बता रहे कौन सा पेज नंबर 194 देख रहे, रुको 199। खोलो, उसमें 11.4 फिगर है। यस सर। अच्छा एक सेकेंड, एक कॉल है, कॉल रिसीव कर लीजिएगा। चलिए तो आपको जो पेज 199 है, इसके अगर आप डायग्राम को देखोगे तो उसमें देखो तुमको लिखा हुआ है इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। ये एक्चुअली इकोलाई का प्लाज्मिड है, ठीक है, ये इकोलाई का प्लाज्मिड है। इस इकोलाई के प्लाज्मा में देखो तो एक जगह लिखा हुआ है ओरी, दिख रहा है? उस इकोलाई के प्लाज्मा में एक जगह ओरी लिखा हुआ है, ये तुमको समझ में आ रहा है या डायग्राम हम स्क्रीन शेयर करके बताएं? बोलो। नहीं दिख रहा है। हाँ है, ओरी लिखा हुआ। या एक सेकंड लाइन पे रुको, हम उसको और अच्छे से शेयर करके बताते हैं। एक बार एक डायग्राम आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? यस सर। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले यहां पे देखना, ये है तुम्हारा ओरी साइट। क्या है? ओरी साइट। इस पूरे तुम्हारा जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जब रेप्लिकेशन होगा तो वो शुरुआत कहां से होगा? इसी पोजीशन से होगा, इसीलिए इसका नाम है ओरिसाइट। उसके अलावा देखो ये अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग पॉइंट है। मान लो यहाँ लिखा हिंद थ्री, ये एक एंजाइम है जिसका कटिंग यहाँ पे होता है। क्लैवन इसका भी यही होता है। इको आर वन, ये बड़ा फेमस है जो तुमको पढ़ना है, इको आर वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये लिखा है एम्पीसिलीन, एम्पीसिलीन रेसिस्टेंस साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस साइट, ये जो लिखा ना टीटीआर। ये अभी मान लो तुम जो इंजाइम यूज किए, जैसे मान लो तुम यूज किए बाम H1, ठीक, बाम H1 इस जगह पे कट कर दिया,
और अगर बाम एच1 इस जगह पे कट कर दिया तो तुमको एक बात साफ साफ समझ में आना चाहिए कि वो इंजाइम इस लोकेशन को कट करके हटा चुका है। तो अब इस इकोलाई के वेक्टर में क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है? नहीं नहीं है। तो अब अगर हम उस इकोलाई को टेट्रासाइक्लिन देंगे जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो क्या वो इकोलाई बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा, जाहिर सा बात है, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो अब देखो हम क्या किए, टेट्रासाइक्लिन वाले को काट के हटा दिए और बदले में मान लो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रख दिए, पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस इसमें डाल दिए। तो अब एक बात साफ साफ समझ में आना चाहिए कि जैसे ही हम पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस डाले कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस वाले जगह पे, तो अब ये जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दिखाने के बजाय किसका रेजिस्टेंस दिखाएगा? पेनिसिलिन का। तो मान लो जैसे अब इस डीएनए को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। एकदम सीधा सीधा बात समझ में आना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले तो एक ऐसा डीएनए जिसमें दो डीएनए मिला हुआ है। दूसरा बात भाई, जैसे ही तुम इसमें एक नया एंजाइम के लिए रेसिस्टेंस डाले, अब एक बात, अच्छा एक बात इसको और ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि अगर मान लो हम इस पेनिसिलिन रेसिस्टेंस जो हम बना दिए थे एंजाइम को, इसको अगर हम मान लो, जैसे मान लो मेरे पास 100 इकोलाई था, 100 इकोलाई था मेरे पास, उसमें से हम 90 पे क्या किए कि एक्सपेरिमेंट नहीं किए, सिर्फ 10 पे किए, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि 10 कैसा हो गया, 10 हो गया रेसिस्टेंट किससे? पेनिसिलिन से। तो जब हम इस इकोलाई को, इस 100 इकोलाई को पेनिसिलिन में डालेंगे तो क्या होगा, जो 10 रिकम्बिनेंट था वो तो बच जाएगा और बाकी 90। मर हेलो, आ रहा है जाएगा, आवाज? हाँ बिल्कुल, मर जाएगा। तो ये जा बात समझना यह है कि भाई अब ये जो नया रेसिस्टेंस था, एक तरह से उसको मार्कर का काम कर रहा है कि कौन सा इकोलाई रिकम्बिनेंट है कौन सा नहीं, क्योंकि डीएनए तो हमको दिखेगा नहीं, समझी बात? ये सर। हाँ, तो ये फायदा होता है। तो अब देखो, अब अगर हमको मान लो इस जीन को काट के निकालना है, इसी जीन को, तो हम जाहिर सा बात है हिंद 3 यूज करेंगे जो यहां से कट कर दे ताकि मेरा ये एंजाइम सेफ रहे, समझ रहे हो? और अगर हिंद 3 यहां कट करेगा, मतलब हिंद 3 के लिए जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है वो यहां पे मौजूद है, और कोई एंजाइम यहां पे कट नहीं करेगा, ये बात तुमको समझना है, ठीक है ना? जहां पे जिसका एंजाइम होता है वो वहीं पे कट करता है। चलो अब इसको हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला हम बात करें, तो हम बोलेंगे कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे काटता ही, हम जान चुके, और जो काटता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, ये भी हम जान चुके। उसके बाद हम ये भी जान चुके कि भाई सबसे पहले हम, एक सेकेंड रुको, ये पॉइंट रिपीट कर गया सर, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। तो सबसे पहले जो जीन हमको यूज करना है, जो जीन हमको यूज करना है, हम उसको कट कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद फिर हम उसको प्लाज्मिड डीएनए में ऐड करते हैं। माइंड इट, प्लाज्मिड डीएनए में हमेशा ऐड करते हैं। जैसे हम बात करें इकोलाई का, तो अभी हम बताए थे ना कि इकोलाई अगर एक प्रोकैरियोट है तो उसका एक न्यूक्लियोलस में यहाँ भी डीएनए होगा और एक डीएनए अलग से भी होगा जिसको प्लाज्मिड बोलेंगे। तो हम अक्सर जो नया चीज ऐड करते हैं ना वो इस प्लाज्मिड में करते हैं।
ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का खासियत ये होता है ना कि ये प्लाज्मिड कहीं भी घुस जाएगा आराम से, कहीं भी घुस जाता है, छोटा होता है ना, तो घुसाना आसान होता है, एंट्री दिलाना। ठीक है यहाँ तक? हेलो, हेलो, यस सर। यहाँ तक ठीक था? हाँ कुछ दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट, कोई इश्यू? नो सर। नहीं तो ठीक है। तो कट किए थे किससे? ये जो कटिंग हुआ किस एंजाइम से हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और ये जो आइसोलेट करके नए प्लाज्मिड में एडिशन हुआ है ये किससे हुआ है? ये हुआ है लाइगेज से। किससे? लाइगेज, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड बना, देखो प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड हाइब्रिड बन चुका है। मतलब मान लो कि हमको अपने इस नेल्स में ना कोई चेंज करना है, या फिर मान लो चाहते हैं कि मेरा जो आई कलर हो ब्लू हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ब्लू कलर आई वाला जीन आइसोलेट करेंगे कहीं से भी, उसके बाद कोई और ऑर्गेनिज्म निकालेंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मिड निकालेंगे, एक्चुअली किसी प्रोकैरियोट का प्लाज्मिड, क्योंकि पूरा पूरा डीएनए एंट्री कराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए। तो हम सिर्फ प्लाज्मिड निकालते हैं, उस प्लाज्मिड में काट छाट करके उस डीएनए को फिट करें, ठीक, उसके बाद इस प्लाज्मिड को अपने बॉडी में डालेंगे, ठीक है, उसके बाद इस प्लाज्मिड को अपने बॉडी में डालेंगे। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को न्यू होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कराना है, मल्टीपल कॉपी बनवाना है। तो ये मल्टीपल कॉपी बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये मॉलिक्यूलर में आप पढ़ चुके, पढ़ी हो? यस सर। हाँ। तो नाउ अगला पॉइंट, नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए, अरे यार फिर शुरू, इसका कंप्लेन करना होगा। नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए Now this recombinant DNA now this recombinant DNA is replicated into its new host is replicated into its new host to form multiple copies multiple copies। यार यहाँ दिक्कत कर रहा हूँ, दूसरा स्क्रीन शेयर कर, ठीक है ओके सर। रुक जाना, एंड नहीं कर रहा हूँ, बस स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ, और वो जो लिखे वो डिलीट हो जाएगा ना। वो रहेगा वहां, इसमें जो लिखेंगे ये डिलीट हो जाएगा। वैसे तुमको पीडीएफ सब मिल जाएगा, जो तुम रिकॉर्डिंग जारी हो उस जाएगा। वापस से लिख दे रहा हूँ वो पॉइंट। नाउ यहाँ पे पेन भी दिख रहा होगा, यस सर। ये पेन मूव होता दिख रहा है। नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए, नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज रेप्लिकेटेड इनटू इट्स न्यू होस्ट इज replicated into its new host
टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज by using DNA polymerase enzyme. यह तुम जानती हो. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग RDT भी बोलते हैं. RDT मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. इसमें देखो हम सारे स्टेप्स को क्लियरली वन बाय वन लिख रहे हैं. स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन. एक सेकेंड रुको, एंजाइम का नाम वाला चीज अभी. अच्छा नहीं, एंजाइम का नाम वाला चीज अब आएगा. आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन. जो मेरा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना. ब्रैकेट में लिख रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू न्यू होस्ट. जाहिर सा बात है, जो मेरा डिजायर्ड जीन है इसको किसी नए होस्ट में इंट्रोड्यूस करना. तीसरा, ये हम तुमको बता चुके हैं, वैसे वापस बता रहे हैं. मेंटेनेंस इन होस्ट एंड इट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोजेनी. मतलब वो जो आई कलर वाला जीन हम अपने बॉडी में डाले थे वो पहले तो मेरे बॉडी में मेंटेन रहे, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बॉडी के बाद मेरे ऑफस्प्रिंग में भी जाए, ये भी हमको ध्यान रखना होता है. ठीक है, यहां तक कोई इशू? नो सर. नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का क्या टूल है? सबसे पहले दो तीन चीज हमको चाहिए होता है. चलो हम ये तो समझ गए नहीं, पहले बताया हुआ है तो कुछ नया तो है नहीं. नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इन टूल्स में सबसे पहला नंबर आता है, अरे यार कीजिएगा, नंबर वन इज DNA मैनिपुलेटिव एंजाइम. DNA मैनिपुलेटिव एंजाइम. DNA मैनिपुलेटिव एंजाइम का मतलब क्या? DNA में जो जो चेंज कर सकते, तो हमको इसमें तीन तरह का एंजाइम चाहिए. पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. किस लिए? DNA को कट करने के लिए. वेरी गुड. दूसरा चाहिए हमको पॉलीमरेज एंजाइम. ये किस लिए? ये पॉलीमराइजेशन के लिए. बिल्कुल, DNA का मल्टीपल कॉपीज के लिए. और तीसरा हम लोग पढ़े लाइगेज. ये किस लिए? ये DNA के टुकड़ा को मतलब जोड़ने के लिए. हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह स्टिक कराने के लिए. मॉलिक्यूलर ग्लू, इतना चीज हमको चाहिए. ठीक है, ये एंजाइम में. उसके अलावा और भी चीज में चाहिए, ये एंजाइम में चाहिए. तो एंजाइम में इतना के बाद हम लोग थोड़ा सा मे बी थोड़ा डिटेल में घुसते हैं इसमें. तो क्या आज हो पाएगा, देखते हैं. हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बात कर सकते हैं थोड़ा सा. तुमको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताए थे ना कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे, कोई बात नहीं. चलो ठीक है, ये लिख भी रही हो कि हम इसको हटा सकते हैं? हो गया.
एक बार और बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में, फिर जहां एकदम नया टॉपिक होगा वहां अगले क्लास में। पहला हम लोग को पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। पहला आपको कौन सा पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, ब्रैकेट में इसको आर ही लिख देते हैं। देखो इंजाइम का बहुत सारा क्लास हम लोग पढ़े थे 11th, नहीं पढ़ी हो तो कोई नहीं, याद रखना। ये जिस इंजाइम के क्लास में आता है उसका नाम है न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं इसको? क्लास न्यूक्लियस। ऑफ इंजाइम। इंजाइम का बहुत सारा क्लास है, उसमें से ये जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है ये न्यूक्लियेज क्लास में आता है। अब ये दो तरह का होता है, एक्सो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज। बताए थे ये कि ये भी नहीं बताए थे? नहीं अच्छा कोई नहीं। एक्सो न्यूक्लियेज, ये हमको लग रहा है ना कि अभी हम 12th में जो मॉलिकुलर पढ़ा रहे हैं उससे हमको दिमाग में आ रहा है कि हम बताएं। इंडो न्यूक्लियेज देखो, हाँ 12th में ही बताएं, श्योर हो गए, मतलब नॉर्मल एवरेज वाला क्लास में। एक्सो न्यूक्लियेज क्या होता है? ये कट करता है एंड पे, जाहिर सा बात है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में दोनों डीएनए को ही कट करेगा, लेकिन एक्सो न्यूक्लियेज डीएनए को एंड से काटता है और ये जो इंडो न्यूक्लियस है ये बीच से काटता है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ये मेरा डीएनए है तो ये जो एक्सो न्यूक्लियस है ये मेरे डीएनए को या तो इधर से एंड पे काटेगा या तो इधर से एंड पे काटेगा। मतलब एक साइड तो एंड होना ही चाहिए जहां भी काटेगा, कौन? एक्सो न्यूक्लियस। और इंडो न्यूक्लियस पॉलीपेप्टाइड। हमेशा बीच में काटता है, यहाँ यहाँ काटते या यहाँ और यहाँ काटते या यहाँ और यहाँ काटते, मतलब कहीं भी काटे एंड नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। समझ गए बात? यस सर। हाँ चलो अब बात करते हैं पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन था। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हिंड 2। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले इकोलाई में पढ़ रहे थे वो हिंड 3 था, याद आ रहा होगा। ये हिंड 2 है, HIND 2। इसका मतलब देखो ये कोडिंग है, जो सबसे पहला लेटर होता है, सबसे पहला लेटर ये बताता है जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ये सारे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कोई ना कोई बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए हुए। तो ये जो पहला नाम है ये हीमोफिलस, HEMOPHILOUS, हीमोफिलस। ये कहां से लिए हैं हम लोग? क्या है जीनस? ठीक है, दूसरा और तीसरा लेटर ये दोनों, ये बताता है उसका और भी डिटेल्ड इन्फ्लुएंजी। जीनस के बाद स्पीशीज आता है ना, तो स्पीशीज है। स्पीसीज। हाँ हाँ इन्फ्लुएंजी। तीसरा वाला जो सॉरी, पहला जीनस, दूसरा तीसरा स्पीशीज और चौथा क्या है? ये स्ट्रेन बताता है, बैक्टीरिया में स्पीशीज से भी नीचे होता है स्ट्रेन। और ये जो 1 और 2 है ना, ये जो नंबर होता है ये नंबर बताता है सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड, किस सीक्वेंस में ये एंजाइम मिला था। ये दूसरा एंजाइम था, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज जो हमको भी आज तक समझ में नहीं आया, ये सीक्वेंस चूंकि ये पहला एंजाइम था तो इसमें तो जो नंबर था वो तो बस रखा गया, इस इंजाइम के बाद से जो भी इंजाइम मिला ना उसमें ये जो होता है वो बताता है सीक्वेंस, उसमें ये सीक्वेंस बताता है। जैसे देखो हम क्या बोले, पहला रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कौन है? तो पहला रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से भी पहले कोई कैसे मिल सकता है? जो पहला हजार से बात है वही सबसे पहले मिला, तो हिंड 2। जबकि यहाँ अगर 2 बोल रहे हैं तो 2 का मतलब सीक्वेंस अगर है तो जाहिर सा बात ये हिंद वाले में दूसरा इंजाइम होना चाहिए, इसके पहले भी कोई होना चाहिए हिंड 1, लेकिन नहीं, यस इस केस में ये पहला, क्योंकि ये पहला था नाम ही रख दिया हिंड 2। उसके बाद से जो भी होता है ना उसमें ये जो नंबर होता है वो सीक्वेंस बताता है। ठीक है,
यस यहाँ तक ठीक है, मतलब वो जो हिंद थ्री था वो दूसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हुआ, दूसरा नहीं मतलब हिंद सीरीज का मतलब हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से मिलने वाला दूसरा था, ठीक है। अच्छा इस तरह से बहुत आएगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मिला, ठीक है। चलो यहीं पे आज छोड़ देते हैं, इसके बाद अगला दिन इसके आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब सीक्वेंस ये सब पे आना है इनको, ब्लंट एंड इसका आएगा, कल ही क्लास रहेगा, ठीक है ना। तुम्हारा क्लास हम टीटीएस में ही ले लिया करेंगे, इससे इस वीक में तीन क्लास हो जाएगा, जैसे एक क्लास तुम्हारा हो गया है ना, एक क्लास आज हो गया वेंसडे को। अब मान लो कि अगर हम परसों करते हैं फ्राइडे, तो दो ही क्लास हो पाएगा इस वीक में, तो कल कर देते हैं थर्सडे को और फिर सैटरडे को कर देंगे, तो तीन क्लास हो जाएगा इस वीक में भी, ठीक है। और टीटीएस में ही रहने देते हैं, सेम टाइम पर टीटीएस, क्योंकि मंडे में मेरा क्लास थोड़ा बिजी हो गया, ठीक है ना, टीटीएस में 11 से 12, तो कल भी क्लास रहेगा 11 बजे से, ठीक। ओके सर, चलिए ठीक, सॉरी सर फॉर लेट टुडे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है।